क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है 1 plus sec a upon sec a is equals to sin square a upon 1 minus cos a। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ध्यान नोट डाउन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है 1 plus sec a upon sec a, करेक्ट। अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इससे राइट हैंड साइड निकाल करके दिखाएंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और 1 की जगह यहां पर 1 लिख लेते हैं, फिर प्लस है तो प्लस लिख लिया। sec a को हम लिख सकते हैं 1 upon cos a, sec a होता है 1 upon cos a, ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में भी sec a है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 upon cos a, करेक्ट। अब जरा न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, 1 plus 1 upon cos a करना है, इसको ऐड करने के लिए हम एलसीएम के थ्रू करेंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 के नीचे 1 ले लेते हैं और यहां पर एलसीएम हो जाएगा 1 और cos का, cos a, 1 से cos a को डिवाइड करेंगे cos a आएगा, cos a मतलब cos a, फिर ये प्लस है तो प्लस, cos से cos को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 बन जाएगा 1 और नीचे 1 upon cos a है, करेक्ट। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास में है न्यूमरेटर में cos a plus 1 upon cos a, अब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाएंगे तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करके डिनोमिनेटर को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो cos a upon 1, तो cos a से cos a कैंसिल हो गया। अब यहां पर हमारे पास में रह गया cos a plus 1, ठीक है, cos a प्लस 1, क्योंकि cos से cos कैंसिल हो गया, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 plus cos a, करेक्ट। अब क्या करेंगे, अब हम इसको 1 माइनस cos a से न्यूमरेटर में भी और 1 माइनस cos a से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे सेम टर्म है तो एक दूसरे को कैंसिल करके ये 1 हो जाएगा, तो यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो अभी इंबैलेंस नहीं हुआ है, ठीक है, इसको हमने बैलेंस ही रखा है। चलिए अब हम 1 प्लस cos a से 1 माइनस cos a को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे होगा, a प्लस b मल्टीप्लाई बाय विद a माइनस b, इसकी तरह होगा ये, तो a प्लस b प्रोडक्ट विद a माइनस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इससे यहां पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a, a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, इससे 1 प्लस cos a 1 माइनस cos a हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस cos a। अब ये 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, फिर ये माइनस है, फिर cos स्क्वायर है हमारे पास में, और नीचे तो 1 माइनस cos a है ही। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है sin स्क्वायर a, और नीचे 1 माइनस cos a है, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसको सॉल्व किया और सॉल्व करके हमारे पास में राइट हैंड साइड आ गया, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये जो हमको इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी थी वो प्रूव्ड हो गई, हेंस